अच्छा पिकअप बताने वाला हूं मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको अभी बजा के दिखाया, ठीक है जी। बहुत अच्छा कहरवा ताल का पिकअप है, जो कहरवे की जो मीडियम स्पीड होती है उस स्पीड का पिकअप है। आप बहुत आसानी से इस पिकअप को बजा सकते हैं, बस आपको इसको बोल याद होना चाहिए और इसको बजाने की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बजाना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे लाइव प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का पेज आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। इसमें आपको बहुत सारे मेरे लाइव मिलेंगे जिसके ऊपर आप अलग अलग तरह के पैटर्न से अलग अलग तरह के आप पिकअप्स वगैरह इसमें सुन सकते हैं। तो आप लोग अगर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, आप इसके थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है जी। तो देखिए इसको कैसे बजाना है, एक और बार इसको बजा के दिखा देता हूँ मैं आपको स्लो में, एक बार इसको सुनिए कैसा बजेगा, ठीक है। सारे वर्ड बिल्कुल इजी है, आप पहले बजा चुके हैं 3-4 महीने से, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो 100% आपको सारे वर्ड ये वाले बजाने आते होंगे, ठीक है जी। तो देखिए एक बार मैं आपको इसको स्लो में ठेके के साथ बजा के दिखा देता हूँ। वैसे स्लो स्पीड में इतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन देख लीजिए एक बार आप, रहेगा। आप किसी भी अगर भजन पर मीडियम स्पीड का जो भजन होता है, जो गाना होता है, अगर आप उसके ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके बोल क्या होंगे, इसके बोल है त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धा, फिर से त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धा, त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धा, है ना। देखिए जब तक आप इसको बोलना नहीं सीखेंगे ना, जब तक आपको बजाना भी नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको बोलना जरूर सीखना है। फिर से देखिए त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धा, एक और बार त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धा, ठीक है बिल्कुल इजी है। त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धा, धित्ता तिट धित्ता धिट धित्ता तिट धित्ता, 1 2 3 4, त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा 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 धित्ता तिट धित्ता, ठीक है। आपको मुखड़े के बाद में जो एंड में जो धा लगा रहा हूँ, इस धा के साथ में आपको ठेका बजाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको शुरुआत में बजा रहे हो ना तो धा से बिल्कुल आप ठेका उठाना, जो तीसरा वाला धा है ना, त्रिकिटता त्रिकिटता ती धा धा धिट धिन्ना, ये जो धा है ना ये ठेके का पहला शब्द है। मुझे जैसे मान लो अगर आपके ठेके का वर्ड है धीट धीना तिट धीना, तो ये जो एंड में है ये धा की जगह धी हो जाएगा। त्रिकिटता त्रिकिटता तिट धा त्रिकिटता त्रिकिटता ति धा धा धिट धीना तिट धीना धिट, मतलब धा एकदम धा ऐसा करके नहीं आएगा। वो तो अपनों खत्म करना हो तो अपन धा लगाएंगे, नहीं तो फिर आपके ठेके का पहला वर्ड वहां पे बचेगा। जैसे त्रिकिटता त्रिकिटता धा धा धिट, इस तरह से बचेगा वो आगे, और उसमें समझा दूंगा आपको डिटेल्स में पूरी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बजा रहा है, सबसे पहले चाटी साइड से देखिए आप, चाटी साइड से कैसे बजेगा त्रिकिटता जो वर्ड है, त्रिकिटता वर्ड ऐसा बजेगा। त्रिकिट आपको बजाना आता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये ती नीचे की तीनों फिंगर से आपको ती बजाना है, र बजाएंगे आप ती र फर्स्ट फिंगर से, इन साइड में थोड़ा सा आपको र आएगा, ज्यादा बिल्कुल भी सेंटर में भी नहीं लेना, ज्यादा किनार पे भी लेना, यहाँ पर ती र ती र की ट, ठीक है। त्रिकिटता त्रिकिटता इस तरह से त्रिकिटता त्रिकिटता, और जो ता बजेगा वो यहाँ पर बजेगा, ठीक है किनार पर त्रिकिटता त्रिकिटता, फिर से आसानी से आ जाएगा त्रिकिटता त्रिकिटता, 1 2 3 त्रिकिटता त्रिकिटता। और जो तावड़ है, तावड़ के साथ में आपको बाएं साइड से क लगाना है, तावड़ के साथ त्रिकिटता
इसमें जो इधर साइड में ये जो क लगा रहा हूँ ना, ये त्रिकिट वाला ही क है, त्रिकिटा त्रिकिटा ऐसा, त्रिकिटा त्रिकिटा, तो अच्छा प्रेशर आता है उसके अंदर, त्रिकिटा त्रिकिटा, फिर उसके बाद में ती, ठीक है, ती में थाप लगेगा, ती थाप आ गई, त्रिकिटा त्रिकिटा ती, फिर ये धा धा धा, ठीक है, धा बेस साइड से ओपन भी बजा सकते हैं, क्लोज भी बजा सकते हैं, जिसे आपकी इच्छा है, ठीक है। और धा में अपन इधर से इंडेक्स फिंगर यूज कर रहे हैं, जैसे अपन ता बजाते हैं, त्रिकिटा त्रिकिटा धा धा धा, 1 2 3 स्टार्ट, त्रिकिटा त्रिकिटा धा धा धा, एक और बार, 1 2 3 स्टार्ट, त्रिकिटा त्रिकिटा धा धा धा, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है जी। अब बाएं साइड से देख लीजिए, बाएं साइड से कुछ भी नहीं है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिरिकिट ता में जो ता आ रहा है ना लास्ट में, इस ता के साथ आपको क लगाना है, तिरिकिट ता ऐसा, तिरिकिट, फिर ता, ता में भी आपको चार्टी साइड से बजेगा, बेस साइड से भी क बजेगा, ठीक है, तिरिकिट ता तिरिकिट ता तिरिकिट ता तिरिकिट ता, तिक धा धा धा, ती जो अपन थाप बजा रहे, थाप में आपको इधर कुछ बाएं साइड से कुछ भी नहीं लगाना है, थाप बिल्कुल सिर्फ चार्टी साइड से लगेगी, त्रिकिटा त्रिकिटा ति धा धा धा, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, त्रिकिटा त्रिकिटा ति धा धा धा, ना ति ति ना ति, 1 2 3 4 त्रिकिटा त्रिकिटा ति धा धा धा, ठीक है जी। अब देखिए दोनों साइड से एक बार आपको बजा के दिखा देता हूं मैं, 1 2 3 स्टार्ट, आपको शुरुआत में बोल बताते थे, समय बता रहा था कि आपको एंड में जो धा रहे, उस धा की जगह आपको अपने ठेके का पहला वर्ड लेना, वो ऐसा क्यों बोल रहा था देखिए उसको, मतलब बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं जो कि सिर्फ अभी सीख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जो अगर मुखड़ा बजाते हैं तो मुखड़ा बजाने के बाद में वो ठेका स्टार्ट करते हैं, जैसे किस तरह से करेंगे, चीज गलत होती है, जो तीसरा वाला जो आपका धा आ रहा है वही धा आपका सम है, तो सम से ही आपका ठेका स्टार्ट होता है हमेशा, तो जो पहली मात्रा होती है उसको सम कहा जाता है, तो आपके ठेके की जो जो पहली मात्रा है वो वहां पर आपको लगाना है, आपका वो पिकअप, उम्मीद करता हूँ आपको ये पिकअप पसंद आया होगा, वैसे बहुत सिंपल पिकअप है और बहुत अच्छा पिकअप है, अगर आप लोग बिल्कुल सफाई से इसको लगाते हो तो ये लाइव प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बिल्कुल आग लगा देगा आपके स्टेज के ऊपर, अगर आप बिल्कुल सही से और सही जगह पे बजाते हैं तो, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पिकअप बजाना आ गया तो आप लोग बिल्कुल फाड़ देंगे स्टेज को, ऐसा नहीं है, एक सही जगह होती है पिकअप लगाने की, वो जगह आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे मान लीजिए कौन से जगह पर कैसा पिकअप लगाना है या फिर संगत कैसे करना है, ये सब चीजों की भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे वाली जो वीडियोस आने वाली है वो ऐसी नॉलेजेबल बातों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा मैं, कि संगत कैसे करना है, ये कैसे करना है, पिकअप वगैरह तो अपन और सीखते रहेंगे, ठीक है, पिकअप और भी अच्छे अच्छे आगे आपके लिए डालता रहूंगा मैं यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन हो या फिर आपको ये वीडियो कैसे लगी है, जरूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।